रुपए टीवी, हर खबर सच के साथ। सीख ली जिसने अदा गम में मुस्कुराने की, उसे क्या मिटाएंगे गर्दिशे जमाने की। तो मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त सुकैना सुल्तान। सुकैना सुल्तान इन्फ्लुएंसर हैं। सबसे पहले तो सब वुमेंस डे, हैप्पी वुमेंस डे। हैप्पी वुमेंस डे। तो सुकैना जो है ये इन्फ्लुएंसर हैं, ये वीडियो सिचुएशन कॉमेडी के हिसाब से ये बनाती हैं। हमने देखा है कि मिस्टर बीन जैसा वीडियो बनाते हैं तो बिना कुछ कहे वो हंसाते हैं, तो ये भी अपना कुछ ऐसा कंटेंट कुछ लेके आई हैं। तो सुकैना माइंड में कैसे आई कॉमेडी में ऐसा कुछ बनाती हूँ लोगों को मुस्कुराती हूँ, कैसा हंसाती हूँ? बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि लिप सिंक है, डांस है। डांस मैं कर नहीं सकती, बहुत डिफिकल्ट है डांस करना। और लिप सिंक वीडियोज़ मैं, मुझे नहीं पसंद है। तो सबसे बेस्ट था मेरे लिए कॉमेडी, बट कौन सी कॉमेडी, वर्ल्कर है, मतलब सिचुएशनल कॉमेडी है, बहुत सारी कॉमेडी आती है। तो मेरे लिए सिचुएशनल कॉमेडी सबसे टफ थी और मैंने सोची व्हाई नॉट टू डू दैट। और जब मैंने वो फर्स्ट वीडियो बनाई तो सबसे अच्छी गई। जोश पे आपके 32 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ठीक है। लोग मतलब कॉमेडी आपकी पसंद करते हैं, जब आप ऐसा कुछ कंटेंट बनाते हैं वो चीज़ वायरल होती है। हाँ। तो आपको कितना अच्छा लगता है और लोगों का क्या प्रतिक्रिया आती है उसको लेकर? ऑब्वियसली जब व्यूज़ अच्छे आते हैं तो हर इन्फ्लुएंसर्स को पसंद आता है, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब मेरे वीडियोज़ वायरल जाते हैं। बिकॉज लोग जब वीडियोस बनाते तो उसके लिए अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी होता है, और जब अप्रिसिएशन मिलता है लोगों से तो वो सबसे ज़्यादा खुशी की बात होती है। कभी ऐसा कुछ फ़ोन आया हो कि अरे तो सुकैना है वीडियो वायरल हो गया, तो कहीं गांव से फ़ोन या फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड, ऐसा फ़ोन कॉल्स वगैरह आता होगा? बहुत कॉल्स आते। मेरे अंकल कैनेडा में रहते हैं, जब मेरा मोदी जी का वीडियो वायरल हुआ था टिकटॉक पे, सबसे फर्स्ट वीडियो था जो ग्लोबली वायरल हुआ था, उस टाइम पे मुझे वो अंकल का फ़ोन आया था, बोले यहाँ पे तो सब गुजराती लोगों के पास हो, तुम्हारी वीडियो है। तो कितना मज़ा आता है आप जब बनाते हैं वीडियो, कॉमेडी वीडियो या फिर कुछ, कितना आप वीडियोस बनाना? एक्चुअली मेरा कॉलेज से ही मैं बनाती थी, बचपन से वीडियोस एक्चुअली बनाती। बुरहानी कॉलेज से आपने स्टडीज कंप्लीट करी है? जी, बुरहानी कॉलेज से, और उसमें मैं BMM करी थी, मास मीडिया एडवर्टाइजमेंट। तो जब मैंने वो कंप्लीट की तो मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, बट मुझे टेक्निकलिटी इसमें नहीं जाना था, मुझे एक्ट करना था। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म था टिकटॉक। चैलेंजिंग था या फिर आपने बस गो विद द फ्लो आपने कर लिया? चैलेंजिंग कुछ भी नहीं होता अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद होती है। तो अगर वो चीज़ मुझे पसंद है और मैं बना रही हूँ वीडियोस, तो चैलेंजेस भी आएंगे ना, तो वो हम जुगाड़ निकाल ही लेते हैं। तो मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अच्छा, कॉमेडी करते हो, कोई ऐसा सीन कभी कुछ आया हो, कॉमेडी करने से पहले कुछ कॉमेडी हो गई हो? ऐसा तो हमेशा होती है वीडियोस बनाने के लिए। जैसे कि मैंने एक बनाना वाला वीडियो बनाई थी जिसमें मैं बनाना लेके ऐसा खड़ी रहती हूँ, और प्रदीप को आना था और वो खाना था, मतलब गिरता हुआ। अच्छा। तो उसके गिरने से पहले वो बनाना 4 बार गिर चुका था। तो ब्लूपर्स, हाँ, तो ब्लूपर्स बहुत सारे आते थे। चलिए बढ़िया है। तो कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे वुमेंस डे के ऊपर, क्योंकि महिला दिवस है, तो इस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर या मुंबई में सेफ्टी को लेकर? क्या महिला मुंबई में सुरक्षित हैं, क्या लगता है आपको? ऑब्वियसली मुंबई सबसे सुरक्षित स्टेट है इंडिया में, महाराष्ट्र में। और मुझे नहीं लगता है कि मुंबई से ज़्यादा और कई जगह पे सेफ है, जबकि मैं दिल्ली, नहीं, बट एक्चुअली देखने जाओ, मैं दिल्ली जाकर आई हूँ रिसेंटली, मैं कश्मीर जाकर आई हूँ, मैं बैंगलोर गई थी, सब जगह पे वुमेन सेफ्टी तो है ही। मुझे नहीं लगता है कहीं पे भी अभी वुमेन सेफ्टी नहीं है। और वुमेन के लिए क्या बोलना चाहिए, लोग खुद ही एक वुमेन ही एम्पावरमेंट, मतलब अच्छा, ऐसा जैसे कि हमने मतलब सुना है कि एक माँ, मतलब एक लड़की जो है छिपकली से डर जाती है, लेकिन जब वो माँ बन जाती है तो अपने बच्चों को मतलब नहीं लड़ने के लिए मगरमच्छ से भी लड़ जाएगी। हाँ। तो मतलब हिम्मत आ जाती है। हाँ। तो हम कह सकते हैं कि महिला के अंदर बहुत हिम्मत, ताकत है, हिम्मत बहुत है। वो छिपकली से भी डरती, मैं भी, वो डरती नहीं होगी, मैं तो नहीं डरती हूँ। तो ये थी हमारे साथ सुकैना सुल्तान, ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इनके जोश पे 32 मिलियन फॉलोअर हैं। आमिर खान, मुंबई।